मैं हूँ श्वेता झा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी बंगाल। सुबह के 11 बज चुके हैं और शुरू हो गया है मॉर्निंग प्राइम टाइम का सुपर शो एक और 11, जिसमें एक घंटे तक खबरों की रफ्तार और अंदाज जारी रहेगी। एक और 11 में आज हम हरियाणा में सरकार बनाने की सरगर्मी पर हर अपडेट आपको देंगे, साथ ही आपको बताएंगे महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लेकर ताजा जानकारी क्या है। दिल्ली में चुनाव होना है और इसी के साथ चुनावी हलचल भी शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पटपड़गंज के झुग्गियों में रात बिताई, आखिर क्यों ये भी बताएंगे। सीमा पर पाकिस्तान की शैतानियां जारी हैं, लेकिन वहां से एक और बेचैन करने वाली खबर सामने आई है। पुंछ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराई गई, ऐसा क्यों हुआ, इस घटना का पूरा अपडेट आगे होगा। आज धनतेरस है, दिवाली पर स्वच्छता अभियान जारी है। रांची में अपनी नई कार की सफाई करते हुए नजर आए महेंद्र सिंह धोनी, बेटी जीवा भी थी उनके साथ, तस्वीरें जरूर दिखाई। देश भर में आज मनाया जा रहा धनतेरस का पर्व, सोने चांदी के गहनों की जबरदस्त मांग है, क्या है बाजार का माहौल, इस पर हमारे रिपोर्टर्स से पूरी जानकारी हम आगे लेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं 100 खबरों के साथ। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की स्थिति मजबूत, 5 निर्दलीय विधायकों ने सौंपा समर्थन। हरियाणा में त्रिशंकु रिजल्ट के बाद दिल्ली में गरमाई सियासत, बीजेपी में बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे दिल्ली, निर्दलीय विधायकों और केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। हरियाणा से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने भी बीजेपी को दिया समर्थन, अलिन जैज से की मुलाकात। निर्दलीय विधायक गोपाल काना ने भी बीजेपी को दिया समर्थन, बीती रात दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। निर्दलीय विधायकों से मुलाकात के बाद अमित शाह से मिले जेपी नड्डा, पार्टी हरियाणा इंचार्ज अनिल जैन और बीएस संतोष पीते साथ। हरियाणा में कांग्रेस को 31 सीटें, किंग मेकर की भूमिका में जेजेपी और निर्दलीय विधायक। बीजेपी से हाथ मिला सकती है दुष्यंत चौटाला की जेजेपी, आज दिल्ली में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में होगा फैसला। हरियाणा के लिए कांग्रेस में आगे की रणनीति पर माथापच्ची, आज सोनिया से मिल सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का आरोप, निर्दलीय विधायकों पर समर्थन का दबाव बना रही है बीजेपी, चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग। महाराष्ट्र में बहुमत मिलने के बाद अब सरकार बनाने की माथापच्ची, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के सामने दोहराई 50-50 के फॉर्मूले वाली शर्त। उद्धव ठाकरे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले, तय फॉर्मूले पर ही करेंगे काम। महाराष्ट्र में कम सीटें मिलने पर शिवसेना का सुर नरम, मुखपत्र सामना में महाजनादेश को बताया सिर्फ जनादेश। मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, कौन बनेगा सीएम ये सवाल बड़ा है। 49,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिलते ही नागपुर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के लोगों का कहा शुक्रिया, कहा राज्य के विकास के लिए करते रहेंगे काम। पीएम मोदी ने खट्टर और फडणवीस की जमकर की तारीफ, कहा उन्हीं के नेतृत्व में दोनों राज्यों में बनेगी सरकार। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। सियासी हलचल के बीच गृहमंत्री अमित शाह का आज गांधीनगर दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा रिजल्ट को लेकर कहा, बीजेपी के लिए यह खतरे की घंटी, हमेशा मोदी की लोकप्रियता काम नहीं आएगी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में 11 सीटों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा, समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें। रामपुर में आजम खान ने निकाला रोड शो, उपचुनाव में पत्नी की जीत पर लोगों को कहा धन्यवाद। हिमाचल में बीजेपी के बल्ले बल्ले, उपचुनाव में विधानसभा की दोनों सीटों पर सत्तारूढ़ पार्टी की जीत। पंजाब उपचुनाव में विधानसभा की 4 सीटों के नतीजे आउट, 3 पर कांग्रेस और 1 पर अकाली दल की जीत। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रिंस राज की जीत, उनकी पार्टी एलजेपी उन्हें बनाएगी बिहार प्रदेश अध्यक्ष। अमेठी पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत। सीतापुर में कमलेश तिवारी के परिजनों से मिली साध्वी प्राची, ओवैसी पर लगाया खुश होकर डांस करने का आरोप। लेकिन 26 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी, जलाए जाएंगे 5.5 लाख दिए, रामचरितमानस का होगा लेजर शो।
अयोध्या में राम की पैड़ी को चौड़ा किया गया, सुरक्षा के खास इंतजाम। धारा 144 लगाई गई, लेकिन राजकीय मेले में आने जाने पर रोक नहीं। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का मेरठ के अस्पताल में अचानक दौरा, अधिकारियों में मचा हड़कंप। संसद पर हमला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बरी किए गए प्रोफेसर एसएआर गिलानी की दिल्ली के नेहरू प्लेस में जिम में मौत, सीने में दर्द की हुई थी शिकायत। एसएआर गिलानी के शव का पोस्टमार्टम कराना चाहती है दिल्ली पुलिस, लेकिन परिजन नहीं है तैयार। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां को राहत, 4 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन और उनके परिवार के जमीनों की होगी जांच, रघुबर सरकार का आदेश। पुंछ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, कुल 7 लोग थे सवार, सभी सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने 3 गैर कश्मीर ट्रक ड्राइवर की हत्या की, गाड़ियों को आग के हवाले किया। आतंकवादियों के हमले में 2 अन्य ट्रक वाले जख्मी, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, परिजन शव आने का कर रहे हैं इंतजार। जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर उल्लंघन, एक जवान गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में रमतेराम रोड पर लकड़ी की गोदाम में लगी आग, मची अफरा तफरी। प्रयागराज में खड़े डंपर से टकराकर ट्रक का अगला हिस्सा तबाह, घंटों तक फंसे रहे ड्राइवर की मौत। प्रयागराज में आयकर विभाग के कर्मचारी की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क पर लाश रखकर प्रदर्शन। झांसी ललितपुर हाईवे पर बीएमडब्ल्यू कार से टकराकर 2 भैंसों की मौत, कार भी शोलों में ढेर गई, कोई जख्मी नहीं। विशाखापट्टनम में रेलवे लाइन के पास लैंडस्लाइड, यातायात प्रभावित। दिल्ली में गहराया प्रदूषण का संकट, इंडिया गेट के आसपास छाई धुंध की चादर। पुणे में सड़क पर पलटा तेज रफ्तार पेट्रोल टैंकर, फायर ब्रिगेड ने सड़क से टैंकर को हटाया। ग्वालियर में गैस सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। ब्रिटनवाला में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश गोली लगने से घायल। दिल्ली में बीजेपी का प्लास्टिक हटाओ अभियान, घर घर जाकर लोगों का बांट रहे मोदी की तस्वीर वाला कपड़े का थैला। बस्ती के डीएम का जल निगम कार्यालय पर छापा, विभाग की करोड़ों की जमीन से जुड़े लंबित मुकदमे को लेकर इंजीनियर पर फूटा गुस्सा। दिल्ली के पड़पड़गंज में झुग्गियों में मनोज तिवारी ने बताई रात, लोगों से उनकी समस्याओं पर की बात। पटना में फॉगिंग मशीन बांटते नजर आए पप्पू यादव, 74 वार्ड में करीब 4 करोड़ की मशीन बांटी। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, इनामी बदमाश हुआ जख्मी। गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी, दोनों पर था 25,000 का इनाम। नोएडा में चोरी किए हुए सामानों की खरीदारी करने वाले 21 कबाड़ियों की गिरफ्तारी, बड़ी मात्रा में सामान भी जब्त। पाली में करीब 9 करोड़ के डोडा और चरस को प्रशासन ने किया नष्ट। दिल्ली की सुंदर नगरी में घर की छत पर खेलते समय 14 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में 2 कार टकराने के बाद मारपीट और हवाई फायरिंग, छत पर सो रहे एक शख्स की मौत, 5 लोग गिरफ्तार। रामपुर में पुलिस की गाड़ी से टकराया ई रिक्शा, ड्राइवर जख्मी, नाराज लोगों ने किया हंगामा। गाजियाबाद में समोसे लेने के विवाद में मारपीट, पीट पीट कर एक युवक की हत्या, 4 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ सब इंस्पेक्टर, हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मृतक के परिवार से मांगे थे 10,000 रुपए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में करीब 40 लाख रुपए के मोबाइल फोन की चोरी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। विशाखापट्टनम में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ छापेमारी, 4 आरोपी गिरफ्तार। हाजीपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, डर कर भागे 4 लड़कों ने नहर में लगाई छलांग, 2 की मौत, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। गोरखपुर में हेड कांस्टेबल पर बेटे की हत्या का आरोप, पारिवारिक विवाद में मारी गोली। धौलपुर में बीती रात एसपी ने पुलिस के साथ किया पैदल गश्त, लोगों ने किया स्वागत। चीन सीमा पर चमोली के मलारी पहुंचे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, दिवाली से पहले जवानों से हुई रूबरू। मलारी के लोगों से भी मिले सेना प्रमुख, पारंपरिक अंदाज में हुआ उनका स्वागत। लखनऊ में महिला की लाश संदिग्ध हालत में बरामद। धौलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में शिक्षक को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला। अमृतसर में 9 किलो हीरोइन बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 45 करोड़ रुपए कीमत, 1 गिरफ्तार। दिल्ली के नंद नगरी में दर्दनाक हादसा, छत पर खेलते वक्त 14 साल के बच्चे की फंदा लगाकर मौत। अंबाला में सामने आया पराली जलाए जाने का मामला, गहरा सकता है प्रदूषण का संकट।
ओडिशा के गजपति में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 40 से ज्यादा मकान बहे। मलबे की चपेट में आकर 150 से ज्यादा पशुओं की मौत, सड़कें टूटने से यातायात भी प्रभावित। कटक में भी मूसलाधार बारिश, शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। आज कुछ इलाकों के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, रविवार तक ओडिशा के 8 जिलों में भारी बारिश का संकट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, स्कूलों में की गई छुट्टी। देश भर में पावन धनतेरस आज, सजे बाजार, सोने चांदी के गहनों की जबरदस्त मांग। धनतेरस के लिए तनिष्क की खास पेशकश, विरासत दिवाली ऑफर के रूप में नए ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च। सूरत पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार, दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों को स्वस्थ रहने के दिए टिप्स। रांची में अपनी नई कार की सफाई करते नजर आए महेंद्र सिंह धोनी, बेटी जीवा भी थी उनके साथ। इकबाल मिर्ची के साथ कारोबार करने के आरोपों पर राज कुंद्रा ने कहा, मेरा कोई कनेक्शन नहीं। हरियाणा में खंडित जनादेश का साइड इफेक्ट अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। विधायकों के जोड़तोड़ का खेल जोर शोर से चल रहा है। सरकार गठन की कवायद में बीजेपी तेजी से आगे बढ़ गई है। खबर है कि 5 विधायकों का समर्थन बीजेपी को हासिल हो चुका है। इस वक्त मनोहर लाल खट्टर हरियाणा भवन में निर्दलीय विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। खबर यह है कि बैठक में 7 निर्दलीय विधायक मौजूद है। 7 में से 5 का समर्थन मिल चुका है, हालांकि उसके बावजूद भी नंबर पहुंचता है 45, जबकि यहां पर बहुमत के लिए चाहिए 46 विधायकों का समर्थन। तो यहां पर अभी भी विधायकों के जोर जोर की पूरी कोशिश हो रही है। एक तरफ बीजेपी खेमा तेजी से काम कर रहा है। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। अब हिमांशु, हरियाणा भवन इस वक्त केंद्र बना हुआ है जहां पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं मुलाकात विधायकों के साथ, निर्दलीय 7 की संख्या में मौजूद है वहां पर, क्या चल रहा है? और देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं कि 7 में से जो है 5 विधायकों ने अपना समर्थन पत्र जो है वो बीजेपी को दे दिया है। कल देर रात इन 5ों विधायकों ने जो है वो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के जो प्रभारी हैं अनिल जैन, उनसे मुलाकात की थी। और मैं एक और चीज़ बता दूं, 2 विधायक जो और हैं वो भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उनमें से है सोमवीर सांगवान दादरी से और धर्मपाल गोदार नीलोखेड़ी से, वो भी समर्थन दे रहे हैं। और एक और चीज़ है, अभय चौटाला जो INLD के सिंगल विधायक चुनकर आए हैं JJP के अलग होने के बाद, वो भी बीजेपी को समर्थन देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। उन्होंने कल ये बात कही भी थी। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को अब सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ JJP भी बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है। आज उसकी विधायक दल की बैठक चल रही है आपसे 18 जनपद पर, और उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक है उनकी। लगभग 4 बजे के आसपास जो है दुष्यंत चौटाला यह घोषणा कर देंगे कि वो बीजेपी का समर्थन देने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि बीजेपी JJP को अपने साथ लेती है या नहीं लेती है, या इन निर्दलीय विधायकों के सहारे अपनी सरकार को चलाने की कोशिश करती है। ये एक बड़ी बात है कि बीजेपी को संकट नहीं है। सीटें जरूर कम हुई है लेकिन संकट कहीं नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री है, उनको कल दिल्ली आना था लेकिन उनको कहा गया कि आप चंडीगढ़ ही रुकिए और देखिए किस तरीके के नतीजे आ रहे हैं और उसको लेकर क्या किया जा सकता है। और दिल्ली के अंदर देर रात JP नड्डा जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अनिल जैन, उन्होंने इन 5ों विधायकों के साथ मुलाकात करके अपनी सरकार बनाने को सुनिश्चित कर लिया। और यह कहा जा सकता है कि जब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था तब उनकी इन विधायकों से बात हो गई थी, और उसके बाद ही जो है अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष भी और गृहमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ट्वीट किया था कि हरियाणा में एक बार फिर से उनको सरकार बनाने के लिए जनता ने जो है वो जनादेश दिया है। तो ये माना जा सकता है कि पहले उन्होंने तय किया कि सीटें कम हैं, उसके बाद भी सरकार कैसे बनाई जा सकती है इसको उन्होंने पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के बाद ही जो है वो ट्वीट भी किया। और ये कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी दफ्तर के अंदर संबोधित करके ये संदेश दिया कि ये हार नहीं है बल्कि ये जीत है। बिल्कुल हिमांशु, तस्वीर लगभग साफ है लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा स्थिति स्पष्ट होने में। लेकिन एक बार फिर से आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि JJP लगातार कांग्रेस से भी संपर्क में रही है और वो मांग भी करती रही है, पहले CM पद का, फिर DC की बात सामने आई, लेकिन यहां पर अब क्या तस्वीर आपको लगता है उभरती नजर आती है? अगर JJP ये कहती है कि वो बीजेपी के साथ है तो क्या वहां से भी कुछ दावे पेश किए जाएंगे या फिर उनकी तरफ से किसी तरह का मांग रखा जाएगा बीजेपी के सामने, इस तरह की कोई खबर? हाँ,
देखिए, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से अब निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ आ गए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो निर्दलीय विधायक है उनको मंत्री पद दिया जाएगा, कहीं ना कहीं किसी बोर्ड या कमीशन का चेयरमैन बनाया जाएगा, उनको मंत्री पद का ओहदा दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि जेजेपी अब किस तरीके से डील करती है, उनका ऑफर क्या होता है, क्या वो बीजेपी से मंत्री पद मांगेगी और क्या बीजेपी उनको साथ लेकर चलेगी नहीं चलेगी, अब से कुछ देर के अंदर ये साफ हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों को अपने साथ लिया है, 8 के 8 विधायक जो है इस वक्त बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन बात वही है कि इन 8 के 8 विधायकों को शायद मंत्री पद चाहिए होगा या मंत्री पद का ओहदा राज्य सरकार के अंदर चाहिए, वो देखने वाली बात है। और इनमें से गोपाल कांडा जिनकी ऊपर एक कह सकते हैं कि केस चल रहा है और उसको लेकर बीजेपी में कहीं ना कहीं चिंता जरूर होगी जिस तरीके से बात सामने आ रही है अब। लेकिन बड़ी बात यही है कि जेजेपी क्या करती है, जेजेपी समर्थन शायद इसलिए भी दे रही है कि उनको डर है कि कहीं अगर उन्होंने समर्थन देने की बात नहीं कही तो कुछ समय बाद कहीं उनकी पार्टी के अंदर बीजेपी सेंध ना लगा दे और वो सेंध बहुत बड़ी और 2/3 मेजोरिटी से वो पार्टी को जो है वो बीजेपी में मर्जर ना करा दे, इसका डर जेजेपी को जरूर है। क्योंकि पिछला इतिहास अगर बीजेपी का देखें तो कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है। हरियाणा में कांग्रेस से एक बार टक्कर में आई तो उसका श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। चुनाव के एंड पहले कांग्रेस ने दोबारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताया था जिस पर वो खरे उतरते दिखाई पड़े हैं। चुनाव से पहले एक तरफ हरियाणा में बीजेपी की सारी रणनीति तैयार थी तो दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस में सिर्फ उठावल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पार्टी के लिए एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई की नौबत थी। ऐसी ही परिस्थितियों में सोनिया गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फिर से भरोसा जताया। जबकि हुड्डा के नाम पर हरियाणा कांग्रेस के दलित चेहरे और राहुल गांधी के करीबी रहे अशोक तंवर ने पार्टी तक छोड़ दी और अब जब हरियाणा के नतीजे आ गए हैं तो कांग्रेस भी सोच रही होगी कि काश हुड्डा पर कुछ और समय पहले भरोसा जता लिया होता। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजे लगभग सामने हैं। हम जनादेश को सम्मान और विनम्रता से स्वीकार करते हैं और इस बात को भी कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में दोबारा केंद्र में आने के पहले तक इस कदर हाशिए पर थे कि ये चर्चाएं चल पड़ी थीं कि वो नई पार्टी ही न बना ले। 2014 में लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बुरे दिन शुरू हुए थे। 2014 में हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सिर्फ 90 में से 15 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब हरियाणा की जनता ने एक तरफा बीजेपी के लिए वोट किया तो कांग्रेस को वहां अपने नेतृत्व पर नए सिरे से सोचना पड़ा। 2019 के इस विधानसभा चुनाव के ऐलान से महज 15 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के चेहरे बनाए गए। उनके कहने पर दलित नेता कुमारी शैलजा की भी हरियाणा की राजनीति में दमदार वापसी कराई गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के भीतर मची अंदरूनी कलह के बावजूद कम वक्त में कमजोर कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाने का करिश्मा कर दिखाया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जमीनी नेता की छवि। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र के साथ मिलकर अपने समर्थकों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस आलाकमान ने टिकट बंटवारे में हुड्डा को तरजीह दी थी, इसका फायदा पार्टी को मिला। हुड्डा ने जाट बिरादरी में अपनी मजबूत पकड़ और जाटों से बीजेपी की नाराजगी को कांग्रेस के पक्ष में भुनाने में सफलता हासिल की। आज तक ब्यूरो। अब पीएम मोदी भले ही राज्य के नेताओं का समर्थन कर रहे हैं, जीत को अभूतपूर्व बता रहे हैं, लेकिन टीम मोदी के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे बहुत ज्यादा कामयाबी वाले नहीं दिखे हैं। आने वाले दिनों के लिए एक बड़े संकेत ये नतीजे दे रहे हैं। ये बड़े संकेत हैं उन आंकड़ों में छुप नहीं सकते जो आंकड़े बीजेपी के नेता अपने बचाव में दे रहे हैं। ये बात सही है कि पिछले बार से कुछ सीटें हमको कम मिली है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 260 सीटें लड़ी थी और हमारी 122 सीटें आई थी। इस बार हम 150 सीटें लड़े और हमारे साथी 14 सीटें लड़े हैं और हमारी 105 सीटें आई है।
इसका मतलब यह है कि पिछले समय हमारा स्ट्राइक रेट ये 47% था, 47%, अब हमारा स्ट्राइक रेट ये 70% है, 70% है। जितनी सीटें हम लड़े उसमें से 70% सीटों पर हमने विजय हासिल की है। पिछले चुनाव में महाराष्ट्र के जो कुल वोट है उन वोट में हमको 28% वोट मिले थे 260 सीटें लड़कर, और हमको तकरीबन 26% वोट मिले हैं मात्र 150 सीटें लड़कर। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से पिछले बार से अधिक वोट भी मिला है, स्ट्राइक रेट भी मिला है। और सीटों में मैं ये मानता हूँ कि कुछ सीटें हमारी कम हुई है क्योंकि हम कम सीटें लड़े हैं। महाराष्ट्र के चुनावी आंकड़ों को देवेंद्र फडणवीस इतना भी बुरा नहीं मान रहे, लेकिन जो फुल पिक्चर महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों को मिलाकर बनी उसमें ऐसे आंकड़े बीजेपी के लिए दिल को बहलाने वाले ही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना को बैकफुट पर रखने के लिए जो बीजेपी खुद के दम पर बहुमत के बारे में सोच रही थी वो हो नहीं पाया। हरियाणा में जो बीजेपी 75 पार सीटों का दावा कर रही थी उसे विपक्ष ने ऐसा जमीन पर पटका कि सरकार बनाने के लाले पड़ गए। दोनों राज्यों में भले ही बीजेपी अपनी सरकार बना ले, लेकिन वो विरोधियों के सामने ही नहीं सहयोगियों के सामने भी कमजोर पड़ गए। जो हमारा गठबंधन है शिवसेना बीजेपी का, उनको स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन हमारे सामने एक मजबूत विपक्ष भी जनता ने खड़ा कर दिया है। किसी को हम खत्म नहीं कर सकते, ये जनता ने दिखाया है। एक ट्रेंड लोगों ने शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी की गलत पॉलिसियों के खिलाफ वोट देना। शायद इस इलेक्शन में कुछ लोगों ने निर्णय लिया है तो इससे देखकर अगले इलेक्शन में और ज्यादा संख्या में लोग प्रभावित होंगे इन लोगों के साथ, और फिर उनको बीजेपी को अगले इलेक्शन में पूरी पराजय देंगे। ये तो सीधी सी बात है जो दो राज्यों ने समझा दिया है, खासतौर पर हरियाणा ने, जहां बलवान बीजेपी से चुनावी दंगल में दो चेहरों ने लठ गाड़ दिया। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आखिरी वक्त में आकर भिड़े, और दूसरे दुष्यंत चौटाला जो नई पार्टी लेकर उतरे थे। हरियाणा के मतदाताओं ने जन आदेश दिया है, वो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। जो 75 पार की बात कर रहे थे, आज हरियाणा की जनता ने उनके तमाम चेहरों को हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस भी जिस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, आज उस ओवर कॉन्फिडेंस को भी जनता ने तोड़ दिया। अब हरियाणा में क्या होगा? हुड्डा अगर सरकार बनाने की सोच रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? सभी दलों से आग्रह करता हूँ जो जनादेश का मान सम्मान करें और सब इकट्ठे होकर एक मजबूत सरकार बनाएं। दुष्यंत चौटाला किसके लिए किंग मेकर बनेंगे? वो बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो शर्तें क्या होंगी? फ्यूचर कोर्स क्या रहेगा? चुनाव के अंदर जो मेहनत करी जिन लोगों ने, उनसे चर्चा कर कौन हमारे साथ आएगा, किन परिस्थितियों में आगे की परिस्थिति बनेगी, इसके ऊपर कल नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक के बाद दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप लोगों के बीच में हम बात को रखेंगे। लेकिन चौटाला किंग मेकर रहेंगे भी या नहीं? क्या उनके लिए बीजेपी बहुमत का जुगाड़ कर लेगी? ये सब सवाल तो हैं, लेकिन इससे अलग एक बड़ा सवाल बीजेपी के लिए है कि क्या वो जमीनी हकीकत से दूर हवा में है? ना हम हवा में हैं, ना हमारी पार्टी हवा में है। हवा में अगर हो सकते हैं तो आप हुड्डा को ले जाने वाले लोग हवा में हो सकते हैं या हुड्डा हवा में होंगे। हमने स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और वो बनेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी रही होगी, पर चुनाव सिर्फ हवा से नहीं, थोड़ा सा मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, और मुझे लगता है उसमें थोड़ी कमी हुई होगी, इसलिए परिणाम जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं आया। सरकार बनाना या ना बनाना, मैनेजमेंट कर पाना या ना कर पाना, इन बातों से दूर बड़ी बात यही है कि कम से कम हरियाणा में तो साफ संदेश यही गया कि स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर हवाबाजी उल्टी भी पड़ जाती है। ऐसा रहा तो कमल के फूल में आने वाले दिनों में बड़े कांटे हैं, क्योंकि अगले 4 महीनों के अंदर बीजेपी के सामने झारखंड और दिल्ली का मुश्किल मोर्चा है। झारखंड में विपक्षी महागठबंधन, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बड़ी चुनौती है। इसके बाद अक्टूबर या नवंबर 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, फिर 2021 में दीदी मोदी की टक्कर वाला पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है। जो रिजल्ट आया है वो शिरोधार्य है, कमी बेशी की चिंता हम करेंगे,
देखेंगे कि कहां कमियां हुआ, कहां बेशी हुआ, कहां ये देखें। सिर्फ हरियाणा की ये बात नहीं है, यहां खट्टर सरकार के बड़े बड़े सूरमा चुनावी दंगल में धूल चाटने पर मजबूर हुए। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे की हार, सतारा लोकसभा में उदयन राजे की बड़ी हार जो एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आए थे, गुजरात उपचुनाव में अल्पेश ठाकुर की हार जो कांग्रेस छोड़कर आए थे, बिहार में 5 सीटों के उपचुनाव में जेडीयू की बड़ी हार, टीम मोदी के लिए हर जगह से अच्छे संकेत नहीं है। रोहतक से अशोक सिंघल और मुंबई से शरद कुमार के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, जींद आज तक। इस बार के चुनाव में मातोश्री के अंदर से पहली बार कोई शख्स चुनावी मैदान में उतरा। ठाकरे खानदान के वारिस आदित्य ठाकरे ने मुंबई की वर्ली सीट से अपने पहले चुनाव में ही 67,000 से ज्यादा वोटों से मैदान मार लिया। जी हां, अपने आगे की जिम्मेदारी सियासी भविष्य पर आदित्य ठाकरे ने हमारे सहयोगी पंकज उपाध्याय से खास बातचीत की। वर्ली विधानसभा क्षेत्र से आदित्य ठाकरे विजय हुए हैं। आदित्य, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जीत के बाद आपकी माँ का रिएक्शन क्या था? सभी का रिएक्शन, यानी माँ का तो बहुत ही अच्छा था, आशीर्वाद दे, प्यार, एक गले भी लगाया, लेकिन अभी ये है कि अभी जीते हैं, अभी आगे लेके जाना है काम को, तो दोनों ने यही कहा माताजी पिताजी ने कि अभी काम करने के लिए लग जाओ। माँ का आशीर्वाद बहुत खास होता है। अब आप पॉलिटिकल एरिना में फुल फ्लेजेडली उतर चुके हैं, चैलेंजेस बहुत आएंगे, माँ ने क्या कहा है आपको? नहीं, काम करने के लिए आशीर्वाद दिए है और मुझे लगता है कि अभी काम पे उतरेंगे, जो हमने वचन दिए है वो हम कर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है जो 50-50 का फॉर्मूला था वो उसे मानेंगे, यानी मुख्यमंत्री बनने की या डेप्यूटी की तो अब राह आसान हो गई है। सो आर वी सीइंग अ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर इन यू? आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज टू बी आंसर्ड बाय द पार्टी प्रेसिडेंट। वी आर ऑल कार्यकर्ता ऑफ शिवसेना, वी आर फॉलोइंग द आदेश ऑफ द पीपल। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर दिल्ली में हलचल, हरियाणा भवन पहुंचे सीएम खट्टर, थोड़ी देर में निर्दलियों के साथ मुलाकात। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की स्थिति मजबूत, 5 निर्दलीय विधायकों ने सौंपा समर्थन। हरियाणा में त्रिशंकुर रिजल्ट के बाद दिल्ली में गरमाई सियासत, बीजेपी में बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी। निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा ने भी बीजेपी को दिया समर्थन, बीती रात दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। दीपेंद्र हुड्डा का आरोप, निर्दलीय विधायकों पर समर्थन का दबाव बना रही है बीजेपी, चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग। गाजियाबाद में एमतेराम रोड पर लकड़ी के गोदाम में आग, मची अफरातफरी। प्रयागराज में खड़े डंपर से टकराकर ट्रक का अगला हिस्सा तबाह, घंटों तक फंसे रहे ड्राइवर की मौत। प्रयागराज में ही आयकर विभाग के कर्मचारी की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क पर लाश रखकर प्रदर्शन। झांसी ललितपुर हाईवे पर बीएमडब्ल्यू कार से टकराकर दो भैंसों की मौत, कार भी शोलों में तब्दील। विशाखापट्टनम में रेलवे लाइन के पास लैंडस्लाइड, यातायात हुआ प्रभावित। गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में दो बदमाश जख्मी, दोनों पर था 25,000 का इनाम। नोएडा में चोरी किए हुए सामानों की खरीदारी करने वाले 21 कबाड़ियों की गिरफ्तारी, बड़ी मात्रा में सामान भी जब्त। पाली में करीब 9 करोड़ के डोडा और चरस को प्रशासन ने किया नष्ट, आग में लगाई। दिल्ली के सुंदर नगरी में घर की छत पर खेलते हुए 14 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में दो कार टकराने के बाद मारपीट और हवाई फायरिंग, छत पर सो रहे एक शख्स की मौत, 5 गिरफ्तार। दिल्ली में गहराया प्रदूषण का संकट, इंडिया गेट के आसपास छाई धुंध की चादर। पुणे में सड़क पर पलटा तेज रफ्तार पेट्रोल टैंकर, फायर ब्रिगेड ने सड़क से टैंकर को हटाया। ग्वालियर में गैस सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में पशु तस्करी और बदमाशों के साथ मुठभेड़, 3 बदमाश गोली लगने से घायल। दिल्ली में बीजेपी का प्लास्टिक हटाओ अभियान, घर घर जाकर लोगों को बांट रहे हैं मोदी की तस्वीर वाला कपड़े का थैला। कैलिफोर्निया के सुनोमा काउंटी में 10,000 एकड़ से ज्यादा हिस्से में आग से तबाही, काले धुएं से पटा आसमान। चिली के सैंटियागो में लगातार प्रदर्शन जारी, हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बैलेट गन का किया इस्तेमाल, कई जख्मी। अल्जीरिया के अलगारिस में वकीलों का प्रदर्शन, न्यायिक सुधार की मांग। दक्षिण फ्रांस में तूफान और भारी बारिश का कहर, सड़कों पर भरा पानी, बह गई कारें।
लंदन में कंटेनर से 39 लाशों की बरामदगी के बाद एक्शन में सुरक्षा एजेंसियां, कई जगहों पर छापेमारी, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। हरियाणा में नतीजे सामने आए तो पार्टी को, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, ऐसे में सभी पार्टियां अब सरकार बनाने में जुट गई हैं। बीजेपी ने 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है तो कांग्रेस का थिंक टैंक 10 जनपद पर आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं हरियाणा भवन। सब बातें आपको बताएंगे, हम सरकार बना रहे हैं, बहुत जल्दी बताएंगे आप। बताएंगे किस तरह से, आपको बता दें कि कल ही निर्दलीय विधायक पहुंच चुके थे दिल्ली और कल ही खट्टर का भी दिल्ली पहुंचने का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, लेकिन वो रुक गए वहाँ। कोई काम नहीं करेंगे, जो काम करेंगे आपको बता के करेंगे। सर गोपाल कांडा, गोपाल कांडा ने समर्थन किया है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? आपको बता के करेंगे सर, लेकिन आपको लगता है कि अरे आराम से। तो मीडिया ने एकदम जैसे ही वहां पर पहुंचे मनोहर लाल खट्टर उन्हें घेर लिया, तमाम सवालों की बौछार की आखिर क्या होने वाला है, तो कह रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कि हम सरकार बना रहे हैं। और इस आत्मविश्वास के पीछे वजह क्या है, 40 बीजेपी के अपने विधायक, 5 विधायकों ने चिट्ठी लिखकर समर्थन दे दिया है, अब सिर्फ एक विधायक और जुटाना है बहुमत का आंकड़ा 46 छूने के लिए। तभी पहुंच चुके हैं और यहां पर अब थोड़ी ही देर में, जिस तरह से वो खुद बता रहे थे कि सरकार वो बनाएंगे, और अब देखना होगा क्योंकि आपको बता दें कि 5 निर्दलीय समर्थन पहले ही दे चुके हैं। एक नाम के बारे में बार बार जिक्र आ रहा है, वो है गोपाल कांडा का। गोपाल कांडा के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या गोपाल कांडा का भी समर्थन आप लेंगे, वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपको बता दें एक समय में इस नाम को लेकर हरियाणा में काफी बवाल हो चुका था। एक एयर होस्टेस की हत्या मामले में गोपाल कांडा सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं, और उस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी सड़कों पर उतर आई थी हवालात के पीछे गोपाल कांडा को पहुंचाने के लिए, और वही गोपाल कांडा है जो कि अब काइंड ऑफ एक किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं, और वो तमाम बाकी निर्दलीय विधायकों को लेकर कल दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में इस वक्त गोपाल कांडा भी मौजूद है। इसीलिए सीएम खट्टर से बार बार पूछा जा रहा है कि क्या गोपाल कांडा को आप मंत्री बनाएंगे, क्या गोपाल कांडा का आप समर्थन लेंगे, लेकिन इस बीच किसी भी बात का जवाब नहीं दिया मनोहर लाल खट्टर ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपको जो कुछ भी होगा जल्द बताएंगे। दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त बोल रहे हैं, वो ऐतिहासिक है, अनप्रेसिडेंटेड है, जबकि वो बहुमत से दूर है। देखिए ये मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक सही कहा है, क्योंकि 3 महीने पहले 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी, वो राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हुआ था, जब प्रदेश के मुद्दों पे चुनाव हुआ तो 80 से घट के 40, 3 महीने में 22% वोट गिरना और सीटें आधी होना, ये एक इतिहास बनाया है खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार, हरियाणा की प्रदेश सरकार ने, तो ये इतिहास जरूर हो सकता है। बाकी जनादेश भारतीय जनता पार्टी खिलाफ आया है, लोगों को पता है। निश्चित रूप से 16 से आप 31 पर गए हैं और आपके पास अभी भी बहुमत नहीं है, तो किसकी सरकार बनेगी? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम कल से अपील कर रहे हैं सभी निर्दलियों से और अपने रीजनल पार्टियों से कि वो लोग सारे साथ आएँ। कल से हम अपील कर रहे हैं, हम संपर्क भी साध रहे हैं, और हम लोग अभी भी आशावान हैं कि कुछ ना कुछ जरूर जो है कुछ ऑल्टरनेटिव जरूर हम बना पाए। मेरा आखिरी सवाल है कि जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, बीजेपी से मिले हैं कई इंडिपेंडेंट एमएलए, आपने नाराजगी भी जाहिर की है कि उन लोग को जनता जूते से मारेगी, क्या कहना आप क्या चाह रहे हैं इंडिपेंडेंट एमएलए के संदर्भ में, आपका क्या टिप्पणी है? कई जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनका जनादेश, उनको जनादेश बीजेपी के खिलाफ मिला है, उस जनादेश का अनादर करते हुए वो अगर हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार होंगे तो पब्लिक में उनका ग्राफ गिरेगा, जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, ये मेरा कहना है।
मगर मैं समझता हूँ अधिकतर इंडिपेंडेंट एमएलए हमारे साथ आएंगे। उनके साथ आएगी और अगर जो निर्दलीय हैं वो अगर बीजेपी के साथ मिलते हैं तो उनका जनादेश घटेगा, पब्लिक उन पर विश्वास नहीं करेगी साफ तौर पर। भूपेंद्र हुड्डा भी कल ये साफ कह चुके थे कि अपील वो करते हैं कि जितने भी निर्दलीय हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और जितने भी लोग INLD हो या फिर JJP हो, ये तमाम लोग एकजुट हो और मिलकर सरकार बनाए, क्योंकि जो जनादेश मिला है वो बीजेपी के खिलाफ मिला है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या गणित यहां पर बैठाते हैं, क्योंकि आपको बता दें लगातार जो दो तीन तस्वीरें सामने आ रही है, कांग्रेस की तरफ अलग मंथन चल रहा है, बीजेपी यहां अलग निर्दलियों के साथ मंथन कर रही है। इंतजार करना होगा कुछ और समय का। हरियाणा में नतीजे सामने आए तो बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला, लेकिन ऐसे में अब सभी पार्टियां अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रही हैं। बीजेपी ने 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है तो कांग्रेस का थिंक टैंक 10 जनपद पर आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहा है। चुनाव नतीजे मनोहर लाल के लिए मनोहर नहीं रहे। जिस हेलीकॉप्टर से दिल्ली आना था वो घंटों यूं ही इंतजार करता रहा। दिन बीता, रात बीती, सुबह रवानगी का मौका मिला, क्योंकि जनादेश ही ऐसा था कि दिल्ली दरबार को मुलाकात की चाहत ही खत्म हो गई। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो अभी तक 5 साल तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, क्या फिर उनको वो चांस मिलेगा? मनोहर लाल खट्टर कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचे हैं और बीजेपी जरूर कॉन्फिडेंट है, मगर कितनी देर लगेगी उनको सरकार बनाने में, ये सवाल सबसे बड़ा जारी रहेगा। तो हरियाणा में अब सत्ता की शतरंज पर सारी गोटियाँ तितर बितर हो गई है। अब सारा दारोमदार निर्दलीय विधायकों पर आ गया है। निर्दलीय विधायकों पर डोरे डालने की कोशिशें तेज है। 7 में से 5 विधायक का समर्थन तो बीजेपी की झोली में गिर गया। बलराज कुंडू निर्दलीय, महम सीट रोहतक, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। रणधीर सिंह गोलन निर्दलीय विधायक, पुंडरी सीट कैथल, 2014 में बीजेपी के कैंडिडेट थे। राकेश दौलताबाद निर्दलीय विधायक, बादशाहपुर सीट गुरुग्राम, 10,000 वोट से जीते। गोपाल कांडा सिरसा सीट से निर्दलीय विधायक, रणजीत चौधरी रानिया से निर्दलीय विधायक। ये 5 विधायक तो पाले में आ गए हैं, 2 और विधायक समर्थन देने की राह पर हैं। जब भाई गोपाल कांडा जी 2009 में जीते थे, जब भी ये इलाज थी कि 40 कांग्रेस पे खड़ी थी और गोपाल कांडा जी 6 विधायक लेकर साथ में आप गए थे, 7 विधायकों का समर्थन देके सरकार बनाई थी। आज 2009 को 19 रिपीट हुआ है। आज कांग्रेस की बजाय आज बीजेपी खड़ी है 40 सीटों पे और आजाद विधायक 6, राज गोपाल कांडा जी 5 और 1-6 लेकर दिल्ली रवाना हो चुके हैं और दिल्ली जाकर बीजेपी की सरकार बनाएंगे शुभ कार्यक्रम के बाद। लेकिन ये समर्थन इतना आसान भी नहीं होने वाला। निर्दलीय विधायक समर्थन की बेहद ऊंची कीमत वसूलने वाले हैं। सबको मंत्री पद की मलाई चाहिए, लेकिन सरकार बनाना है तो बीजेपी को थोड़ी थोड़ी मलाई बांटनी ही होगी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कम रह गए हूं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को ही दिया जा रहा है। नतीजे भी यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने उनके 5 साल के कामकाज पर अपनी मुहर लगा दी है। खुद फडणवीस अपनी सीट करीब 50,000 वोटों से जीते हैं। यह जय घोष बीजेपी के उस क्षत्रप की है जिसने महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए दूसरी बार सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। आपको भी ये सुनकर के आश्चर्य होगा, 50 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल वहां महाराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाया। 5 साल लगातार मुख्यमंत्री, 50 साल के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी को सेवा करने का मौका मिला। यह जयकार महाराष्ट्र के उस मुख्यमंत्री की है जो राज्य में बीजेपी के लिए चंद्रगुप्त भी है और चाणक्य भी। महाराष्ट्र की जनता का जो अपार विश्वास है, हमारी युवा नेतृत्व है, वहां नया नेतृत्व है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक भी प्रकार का दाग लगे बिना
सरकार चलाई उसको आज जन समर्थन मिला। ये जय जय 49 साल के उस नेता की है जिसकी तारीफ के पहलू खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही न जाने कितनी बार निकाल चुके हैं। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपरहिट रहा है, सुपरहिट। देवेंद्र और नरेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 1+1=2 नहीं होता है, नरेंद्र और देवेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। चुनाव के रुझान तो ये साफ कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो जीत को रेन्यू कराने का हुनर और हौसला रखते हैं। ये भी साफ हो गया है कि एक बार फिर महाराष्ट्र की बागडोर देवेंद्र फडणवीस के हाथों में ही होगी। शिवसेना का और हमारा जो तय हुआ है उसके अनुसार ही हम आगे जाने वाले हैं। जो तय हुआ है वो सही समय पर आपको पता चल जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। इस चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी कैसे लड़ेगी, किन किन सीटों पर लड़ेगी, शिवसेना को कैसे चुनावी साझेदार बनाएगी, कैसे प्रचार होगा, कैसा जीत का नया संसार होगा, ये सब कुछ देवेंद्र फडणवीस ही तय कर रहे थे। पार्टी ने पूरी तरह उनके हाथों में चुनाव की बागडोर सौंप दी थी और वे इस कसौटी पर 16 आने सही साबित हुए। विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में हमारी महायुति को जो एक यश मिला है और लोगों ने जो जीत हमको दी है उसके लिए मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बड़ा ही स्पष्ट मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने हमारे अलायंस को, हमारी महायुति को यहां पर दिया है और इसलिए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभारी हूं। मैं साथ ही में आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। फडणवीस उस नागपुर से आते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। संघ से मिले संगठन के गुर ने फडणवीस को ये सिखाया कि कैसे संगठन पर मजबूत पकड़ रखी जाती है, तो उनका सौम्य स्वभाव महाराष्ट्र के लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहा। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कम हुई तो शिवसेना की भी कम हुई, लेकिन बीजेपी के पैरों तले से चंद सीटें क्या खिसकी, शिवसेना के पुराने अरमान जवा हो गए। बिल्कुल, और अब वो मुख्यमंत्री पद पर अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। उनसे साफ उन्होंने कहा है कि 2.5 साल बीजेपी, 2.5 साल वो, लेकिन बीजेपी का रुख देखकर ऐसा लगता नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में कब शिवसेना का कद बीजेपी की छोटी छाया में बदलता चला गया, इसका अंदाजा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को लगा ही नहीं, और जब तक ये एहसास हुआ तब तक बीजेपी का दबदबा महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को काफी पीछे छोड़ चुका था। लेकिन विधानसभा चुनाव के इस नतीजे के बाद बीजेपी की गिरती सीटों से शिवसेना उत्साहित है। वो अब 5 साल में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर हिस्सेदारी चाहती है। लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे साथ अभी मैंने कहा कि बुजुर्ग नेता सब मेरे साथ बैठे शिवसेना के, वैसे भारतीय जनता पक्ष के नेता भी बैठेंगे और जरूरत पड़े तो अमित भाई भी यहाँ आ जाएंगे और उस वक्त जो तय हुआ था उसकी याद सबको दिलाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार शिवसेना की सीटें भी थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन बीजेपी की सीटों में ज्यादा गिरावट ने शिवसेना को नई शक्ति दे दी है। वो समझ गई है कि बीजेपी उसकी मदद के बगैर एक इंच भी आगे बढ़ नहीं सकती, इसलिए वो इस सवाल को कयासों के सियासी आसमान में उछाल कर रखना चाहती है कि CM होगा कौन, किसका होगा, बीजेपी का होगा या शिवसेना का होगा। मुख्यमंत्री कोणाचा होईल हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे।
इसलिए जैसे ही पत्रकारों की तरफ से शिवसेना के नेतृत्व की तरफ सवाल उठा तो उनका खुशियों से भरा जवाब कुछ ऐसा था। आपके मुंह में घी से कर। आपको याद दिला दें कि चुनाव से पहले मुंबई में आज तक की पंचायत में ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री पद पर किसी किस्म का कोई समझौता गठबंधन के किसी दल से है ही नहीं। जहां तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का सवाल है, हमारा जो लास्ट एक्सपेंशन हुआ लास्ट, उस समय भी मैंने शिवसेना को यह कहा था कि अगर आप आपके किसी व्यक्ति को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से कोई ना नहीं है, वी आर रेडी। पर उन्होंने कहा कि अभी बहुत कम समय बचा हुआ है इसलिए अभी हम नहीं बनाना चाहेंगे किसी को। मैं देखो मैं कितना होशियार हूं, मैंने चीफ मिनिस्टर नहीं कहा, वो मैंने अपने लिए रिजर्व रखा। ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य में बीजेपी शिवसेना से आगे बढ़ गई और उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना को बड़ा भाई मानने से इनकार कर दिया। दोनों का गठबंधन टूटा, अलग अलग चुनाव लड़े और नतीजे आए तो बीजेपी जनता की मुहर लगवाकर नंबर एक पार्टी बन गई। शिवसेना को झुकना पड़ा। अब मौका मिला तो उस स्थिति को बदलने की कोशिश शिवसेना कर रही है। बीजेपी की अपनी अलग दलीलें हैं। ये बात सही है कि पिछले बार से कुछ सीटें हमको कम मिली है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 260 सीटें लड़ी थी और हमारी 122 सीटें आई थी। इस बार हम 150 सीटें लड़े और हमारे साथी 14 सीटें लड़े हैं और हमारी 105 सीटें आई है। इसका मतलब यह है कि पिछले समय हमारा स्ट्राइक रेट ये 47% था, 47%, अब हमारा स्ट्राइक रेट ये 70% है, 70% है। राजनीति का खेल निराला है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के उदय के साथ तमाम दलों की चमक धूमिल होने लगी। शिवसेना ने कई बार तेवर तो दिखाए लेकिन बार बार बीजेपी के सामने वो झुकती भी गई। लेकिन इस बार जब उसको लग रहा है कि प्रदेश सरकार को चलाने के लिए बीजेपी को उसकी पक्की जरूरत है तो वो भी अपने लिए शिखर का सपना देख रही है। आवी सिंगा, फ्यूचर चीफ मिनिस्टर इन यू। आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज टू बी आंसर्ड बाय द पार्टी प्रेसिडेंट। अपनी तरफ से आर यू रेडी टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी? अभी तो काम करने लग जाते हैं, फिर रिस्पांसिबिलिटी जो भी। 30 साल पहले उद्धव ठाकरे के पिता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की उंगली पकड़कर बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी जगह बनाई थी। तब बाल ठाकरे खुलेआम कहते थे कि कमलाबाई वही करेगी जो वो कहेंगे। कमलाबाई यानी कमल छाप बीजेपी। अब बदले हालात में शिवसेना उन्हीं पुराने दिनों को लौटाने की कोशिश कर रही है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को बहुमत तो मिल गया लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटें हो गई हैं कम। इसके बावजूद सरकार बनना तो तय है, हालांकि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान शुरू हो गई है। एक महाराष्ट्र में अगले 5 साल के लिए मजबूत सरकार हम देंगे। वैसे महाराष्ट्र में ये कई दशकों के बाद हो रहा है कि 5 साल पूरी करके एक सरकार और एक मुख्यमंत्री वापस चुनकर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का परिवर्तन महाराष्ट्र के मैंडेट में हमको दिखाई पड़ता है। मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देवेंद्र फडणवीस आश्वस्त हैं कि महाराष्ट्र के इतिहास में वो दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की बातों से तो ऐसा नहीं लगता जो बीजेपी को समझौता याद दिला रहे हैं। लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को 50-50 वाला फॉर्मूला याद दिलाया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि 50-50 फॉर्मूला है क्या। माना जा रहा है कि इस फॉर्मूले के तहत 2.5-2.5 साल के लिए दोनों पार्टियां अपने अपने मुख्यमंत्री बनाएंगी। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि इसी फॉर्मूले पर सरकार बनेगी, लेकिन सीएम फडणवीस थोड़े असहज दिख रहे हैं। तो
आपके मुंह में घी से कर। शिवसेना का और हमारा जो तय हुआ है उसके अनुसार ही हम आगे जाने वाले हैं। जो तय हुआ है वो सही समय पर आपको पता चल जाएगा। फडणवीस नहीं बता रहे कि शिवसेना के साथ क्या तय हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे के बयान और हाव भाव साफ बता रहे हैं कि जो तय हुआ है उसमें शिवसेना का मुख्यमंत्री बनने की भी बात है। जब ये सवाल सीएम फडणवीस से पूछा गया तो वो थोड़ा झल्ला से गए। देखिए, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर मैं चुनाव से पहले दे चुका हूँ और महाराष्ट्र के किसी के भी मन में शक क्या स्थिति अलग, कोई स्थिति अलग नहीं है, स्थिति बिल्कुल वही है। सही बात है, सीएम फडणवीस वाकई चुनाव से पहले कई बार इस सवाल का उत्तर दे चुके हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच से सीएम फडणवीस ने साफ लहजे में कहा था कि शिवसेना जिसे चाहे उप मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। अंडर देवेंद्र फडणवीस लीडरशिप चीफ मिनिस्टर आप रहेंगे, क्या ये साफ है? कोई शक है आपको? जहां तक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का सवाल है, हमारा जो लास्ट एक्सपेंशन हुआ लास्ट, उस समय भी मैंने शिवसेना को यह कहा था कि अगर आप आपके किसी व्यक्ति को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से कोई ना नहीं है, वी आर रेडी। पर उन्होंने कहा कि अभी बहुत कम समय बचा हुआ है इसलिए अभी हम नहीं बनाना चाहेंगे किसी को। वो मैं देखो मैं कितना होशियार हूं, मैंने चीफ मिनिस्टर नहीं कहा, वो मैंने अपने रिजर्व रखा। यानी फडणवीस के दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं है कि वो शिवसेना के लिए अपना मुख्यमंत्री पद त्याग करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे के तेवर भी झुकने वाले नहीं लगते, जो चुनाव से पहले ही कह चुके हैं कि वो सीएम की कुर्सी पर एक शिव सैनिक को बैठा देखना चाहते हैं। जाहिर है उनका इशारा अपने बेटे आदित्य ठाकरे की तरफ था, जो ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा और अब वो चुनाव जीत भी गए हैं। मी अखेरच्या काळामध्ये शिवसेना प्रमुखांना वचन दिले आहे, हातात हात घेऊन त्यांचा मी वचन दिलेलं आहे आणि मी वाटेल ते करेन, वाटेल ते टोकाला जाईन, पण ते मी वचन पूर्ण करेन। आणि ते वचन असं आहे, मी त्यांना सांगितलं की एक ना एक दिवस मी तुमचा शिवसैनिक मुख्यमंत्री पदाच्या तख्तावरती। उद्धव ठाकरे की इसी बयान से गठबंधन में पेच फंसने की सुगबुगाहट तेज हो गई थी, लेकिन फिर गठबंधन हुआ और अब मुख्यमंत्री पद का पेच फंस गया है। उद्धव ठाकरे अपने वादे को पूरा करने के पूरे मूड में दिख रहे हैं। अभी अभी मैंने साफ कर दिया कि अभी 5 बजे तक कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, समय है, शांति से विचार कर सकते। तो मुख्यमंत्री पद पर ना तो बीजेपी झुकती दिख रही है ना ही शिवसेना, और इस सब के बीच उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर अपने नरम रुख का इजहार कर दिया है। चांगलं आहे ना, दुसऱ्याचं चांगलं झालं म्हणून मला पोटात दुखणार मी नाहीये, आनंद आहे मला।